नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बिजनौर में मतदाता द्वारा आज अपने मतदान का प्रयोग सुबह से किया जा रहा है। जनपद की 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। जनपद में मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से चले इसके लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। जनपद बिजनौर की 5 तहसीलों बिजनौर, धामपुर, चांदपुर, नगीनाबाद और नगीना के मतदान स्थलों पर आज मतदाता पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग शाम 5 बजे तक किया। उधर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जनपद के मतदान स्थलों पर पहला मिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सहित लोकल पुलिस सभी शरारती तत्वों पर अपनी नजर बनाए रखे हुए थी। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बिजनौर जिले में बाहर की 6,000 और लोकल के 2,000 जवान मतदान स्थल और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगे हुए हैं। साथ ही सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान स्थलों पर वेब कैमरे के माध्यम से लाइव रिपोर्टिंग कर शरारती तत्वों पर जवानों द्वारा कड़ी नजर रखी गई। उधर जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ी वैसे वैसे मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकले। उधर आज बिजनौर जनपद में सर्द हवाओं को लेकर सुबह के समय भले ही मतदान स्थल पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिन में गर्माहट आई वैसे ही वोट परसेंट भी बढ़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ। उधर मतदाताओं की माने तो वो शहर में विकास और अन्य कई बातों को लेकर प्रत्याशी को वोट करने आए। ये तो समय ही बताएगा कि जनता के दिल में शहर का सुल्तान कौन बनेगा। अचल राजपूत मैडम, जो है आप किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आई है? आज नए मुद्दों के लिए, नए नए बच्चों को मौका दिया जाए इसलिए वोट देने के लिए आए। क्या जो है शहर में विकास के मुद्दों को भी लेकर आप वोट दे रही हैं? हाँ जी, 100% विकास होगा, नए बच्चों को वोट दिया जाएगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगी नए आगे बढ़ने के लिए, जो नहीं कर पा रहे उनको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, पार्टी के प्रत्याशियों को देखकर वोट दे रही है? नहीं, विकास नहीं, के मुद्दों को विकास के मुद्दों को कोई पार्टी वाल्टी का दिक्कत नहीं है।